गोल्डन लंगूर, ठीक है। गोल्डन लंगूर अभी न्यूज में है। यह गोल्डन लंगूर जो है इंडिया के जो यह नॉर्थ वेस्ट पार्ट है असम का, वहां मिलते हैं असम से लगाकर भूटान की तरफ। यहां पर जो है मानस नेशनल पार्क, इसमें यह बहुतायात में मिलते हैं। जब ब्रह्मपुत्र बहती है, ब्रह्मपुत्र मानस इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहां पर एक आइलैंड है, विश्व का सबसे छोटा रिवराइन आइलैंड भी बोलते हैं। सबसे बड़ा तो है मजुली, सबसे बड़ा, छोटा भी यही है उमानंदा। इसको इन बंदरों का घर कहा जाता है। यह लंगूर कम हो रहे थे, तो 2011 में गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है चालू किया गया था सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। यह स्थानीय तौर पर इसी क्षेत्र में मिलते हैं, याद रखना, दे आर एंडेमिक टू नॉर्थ वेस्टर्न असम। और नॉर्थ वेस्टर्न असम का कौन सा पार्ट, जो भूटान की तरफ जा रहा है मानस। आयुषीन के अनुसार है ये एंडेंजर्ड, ठीक है। फिर तुम्हें याद रखना है किसके बारे में, सेंट्रल जू अथॉरिटी। अभी तो इतना लिख लो, लंगूर, गोल्डन लंगूर, ये गोल्डन लंगूर ये स्थानीय तौर पर उत्तरी पश्चिमी पश्चिम है ना, पूर्व कहां हो गया, उत्तर पश्चिम असम में मिलते हैं। नेक्स्ट, ये लंगूर भूटान और भारत में यहां कौन सी रिवर है, मानस, यहां संकोश और ये ब्रह्मपुत्र। तो पूर्व में मानस, पश्चिम में संकोश और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र के मध्य है। देखो ये इनका आवास मानस, संकोश व ब्रह्मपुत्र के मध्य है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ना इनको सीक्वेंस पर, ये मानस, संकोश व ब्रह्मपुत्र के, इनका आवास मानस, ब्रह्मपुत्र और संकोश के मध्य स्थित है। यूपीएससी सीक्वेंस पूछ चुका है कि संकोश, मानस, इनकी सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा नदी या द्वीप, मतलब सबसे छोटा इन सेंस नहीं, एक सबसे छोटे में से एक है, विश्व का सबसे छोटा नदी या द्वीप रिवराइन आइलैंड उमानंदा इनका घर है। नेक्स्ट, इनके संरक्षण के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा 2011 में गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू किया गया है। गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू किया गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस कानून के तहत हुई है? 1972। एनवायरनमेंट को रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो खुद रट्टा हो जाओगे, रट्टा मारोगे तो खुद रट्टा हो जाओगे, इतना फैक्ट है इसमें। और ये तुम पढ़ते नहीं हो पार्ट। सेंट्रल जू अथॉरिटी 1972 कानून के तहत स्थापित। कब? 1972। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलग है, सेंट्रल जू अथॉरिटी अलग है। एग्जाम में यही होगा, अभी तो ठीक है, एग्जाम में ये होगा, क्वेश्चन जब पूछा है सोच कुछ तुम और रहे होगे, उसको रिलेट किसी और से करोगे, फिर तुम्हारा आंसर गलत होगा। इसकी स्थापना 1992, ठीक है।